तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। हम लोग इंटीग्रेट करना है, चूंकि हमें इस फंक्शन को यहाँ पे क्या है, तीन कोसाइन फंक्शंस हैं अलग अलग एंगल पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए कि डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, है ना। तो हमें क्या करें, इन कॉस को हम सम या डिफरेंस में हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 11th में आपने पढ़ा है कि 2 cos A cos B को हम क्या लिख सकते हैं, cos A - B और +cos A+B लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करके सम में ब्रेक कर देते हैं इसको, ठीक है, या सम में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री से ही हम लोग इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें, बाद में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए पहले 11th क्लास में हम लोग चलते हैं एक तरह से। तो हमारे पास आपके पास है 2 cos 2x और cos of 4x, ठीक है, और cos of 6x है। तो क्या किया जाए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। ये आप 2 cos A cos B आप अप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका, इट बिकम 1/2 टाइम्स, इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा cos of A - B, 2x - 4x और +cos A+B, 2x+4x हो जाएगा, और साथ में बाहर रहेगा आपका cos of 6x। तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा आपका 2x - 4x, माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहां हम लिख लेते हैं माइनस का 2x। आप तो नेक्स्ट स्टेप में लिख पाएंगे, आप कॉपी में, है ना, हमारे पास सुविधा है कि हम मिटा के लिख ले रहे हैं। 2x+6, ये 4x, यहां हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए कि ये cos-θ + cos θ होता है, ऐसा क्यों होता है, माइनस थीटा का मतलब कि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज एंगल मेजर करोगे तो वो निगेटिव लिया जाएगा, और -θ का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये माइनस साइन अपने आप यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आपकी ये स्टेप आ गई। अब क्या करिए, cos 6x से वापस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके अंदर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका cos 6x, और ये cos 2x तो यहाँ पे है ही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos of 6x and cos 2x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 6x into cos 6x, तो cos 6x into आपका क्या हो गया, cos 6x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वापस वही फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे जो इससे पहले अप्लाई किया था, उससे उसके लिए 2 से आपको मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 2 दोनों का डिनोमिनेटर है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 यहाँ से हटा के हम इसको बाहर कर देते हैं, दैट इज 4, बाहर 2 तो था ही, ये 4 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए ये 2 टर्म में ब्रेक हो जाएगा, एक हो जाएगा cos of A+B, मतलब 6x+2x कितना हो जाएगा, अरे डिफरेंस देखेंगे पहले, सॉरी, 6x - 2x कितना हो जाएगा आपका 4x, प्लस क्या हो जाएगा आपका इन दोनों का सम, तो cos of 8x आ जाएगा, प्लस ये भी 2 सम में ब्रेक होगा, कितना हो जाएगा आपका, दैट बिकम cos A - B, तो 6x - 6x 0 हो जाएगा, और cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस क्या हो जाएगा आपका cos of A+B, मतलब 6x + 6x 12x हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आ गया, ठीक है। तो जो आपको दिख रहा था cos 2x cos 4x cos 6x प्रोडक्ट सम में ब्रेक हो चुका है, आपके पास 4 टर्म आ चुके हैं, है ना, एक कांस्टेंट फंक्शन है और बाकी 3 आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ चुके हैं। अब इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेटिंग दिस वन मींस इंटीग्रेटिंग दिस वन, तो इंटीग्रेशन का साइन हम कंटिन्यू किए रहते हैं ना, मान लीजिए इंटीग्रेशन का साइन हम कंटिन्यू किए रहते हैं यहाँ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये लीनियर ऑपरेटर होता है, dx भी लिख देते हैं ना, आप लोग भी गलती करते हो इंटीग्रेशन के साथ dx कभी कभी छोड़ देते हो जब आप सीख रहे हो तो शुरू में, तो ठीक है, तो ये गलतियां अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, अंदर जाएगा तो cos of 4x,
dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 12x dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका sin 4x अपॉन 4, क्योंकि x का कोफिशिएंट आपका क्या है 4 है। ठीक है, तो हम ऊपर मिटा के लिख दे रहे हैं आंसर आपको। तो ये हो जाएगा इसका 1/4 बाहर रहेगा और अंदर आ गया आपका साइन 4x अपॉन 4 मतलब 1/4 प्लस क्या हो जाएगा आपका यहां से cos 8x का साइन 8x 1/8 आ जाएगा, जो x का कोफिशियंट है वो 1 अपॉन में हो जाएगा। उसी तरह से पहले cos वाला लिख लेते हैं, कांस्टेंट बाद में लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा प्लस का cos ऑफ cos का साइन हो जाएगा साइन ऑफ 12x 1/12 और इस 1 का क्या हो जाएगा आपका 1 का हो जाएगा x, तो प्लस x हो जाएगा और प्लस ये इंडेफिनिट कांस्टेंट c, तो दैट इज योर फाइनल आंसर।